और बड़ी खबर आपको दे दें, वडाला से सामने आ रही है 253 mm का पानी, मिलीमीटर पानी वडाला में दर्ज किया गया है। परेल में 240 mm बारिश हुई है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा वहां पर खराब है। वडाला और परेल की स्थिति बताने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि अगर 253 mm वडाला में और 240 mm परेल में होती है बारिश तो वहां की स्थिति क्या होगी। उमेश कुमावत हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ चुके हैं। उमेश, आप अपने आसपास किस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे दर्शकों को बताइए ऐसी हालत मुंबई की क्यों हुई? देखिए, पिछले कुछ घंटों से सुबह से अब तक 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। खासतौर पर जो बांद्रा, परेल, सायन, माटुंगा, ये जो इलाके हैं, कुर्ला, इन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और सबसे ज्यादा प्रभावित यही इलाके हुए हैं। कुछ निचले इलाके हैं इसमें, जैसे सायन है, कुर्ला है, ये निचले इलाके हैं। इन इलाकों में काफी सारा पानी भर चुका है और खास तौर पर अगर हम स्टेशनों की बात करें, कुर्ला स्टेशन की बात करें, सायंस स्टेशन की बात करें, तो गाड़ियां जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, लोकल रेलवे, वो ठप हो चुकी है, पूरी तरह से ठप हो चुकी है। लोग और गाड़ियां बीच बीच में, दो स्टेशनों के बीच में कहीं पे गाड़ियां खड़ी है, उसमें लोग फंसे हुए हैं। हजारों लोग इस वक्त मुंबई में ट्रेनों में, लोकल ट्रेनों में फंसे हुए हैं और वो अपने घरों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ बहुत सारा पानी है ट्रैक पे, फिर इसलिए ये लोग नीचे उतर रहे हैं ट्रैक पर और ट्रैक के सहारे एक दूसरे का हाथ लेके, हजारों लोग इस वक्त जो है मुंबई में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बढ़ रहे हैं अपने घरों की तरफ। लेकिन और सबसे बड़ी यही एक उपाय भी है क्योंकि दूसरा ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं है। और जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी भी दे रहे थे, हजारों लोग इस वक्त दफ्तरों में फंसे हुए, 30,000 ये आंकड़ा सामने आया है जो मुंबई के अलग अलग दफ्तरों में फंसे हुए हैं। हालांकि बार बार मुख्यमंत्री की ओर से ये अपील की गई है कि लोग जल्द से जल्द दफ्तर छोड़े और अपने घरों तक सुरक्षित वापस लौटे। फिलहाल मुंबई में इस तरह की हालत क्यों बनी, ये लगातार एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है और साथ ही बता रहा है कि किस तरह की जद्दोजहद का सामना इस वक्त मुंबई के लोगों को करना पड़ रहा है। कुर्ला से हमारे संवाददाता मृत्युंजय की यह रिपोर्ट देखिए। मुंबई में पिछले तीन दिन से हो रही लगातार बारिश और आज सुबह से हो रही मूसलाधार तूफानी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाम लगा दिया है। मैं इस वक्त मुंबई के कुर्ला इलाके में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हूँ। ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं और तस्वीरें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि तेज बारिश की वजह से मुंबई की रफ्तार पर किस प्रकार से लगाम लग गया है। गाड़ियों की आवाजाही ना के बराबर है, जो गाड़ियां आ रही हैं उन्हें पानी में कुछ इस प्रकार से गुजरना पड़ रहा है। आप दो पहिया वाहनों को देखें तो पहिए पानी में डूबे हुए हैं, चार पहिया वाहन जो है वो पूरी तरह से उनके चक्के पानी में डूबे हुए हैं। लोग संघर्ष कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कई गाड़ियां बंद पड़ जा रही हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाम लगा हुआ है। आप चार पहिए वाहनों की तस्वीरें देखें, साथ ही साथ आप एक लंबी कतार देखें जो ट्रैफिक में फंसी हुई गाड़ियां हैं। इसी प्रकार का हाल मुंबई के कई निचले इलाकों में है, आपको दिखाना चाहेंगे। कई गाड़ियां बंद पड़ चुकी हैं। ये आप मुख्य सड़क, ये हाईवे है और हाईवे पर आप मुख्य सड़क की तस्वीरें देखें तो BMW कार और साथ ही साथ जो कई कार हैं वो बंद पड़े हैं। आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई में जिस प्रकार की मूसलाधार तेज बारिश हो रही है इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि न केवल सड़क पर यातायात इस प्रकार से प्रभावित है बल्कि ट्रेन सेवा पूरी तरह से बंद पड़ चुकी है। इतनी तेज मूसलाधार बारिश है, हवाएं इतनी तेज है कि इसमें छतरी नहीं टिक रही है। इस वजह से फिलहाल स्कूलों से भी बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। लेकिन हम यातायात की बात करें तो जहां मुंबई की लाइफलाइन लोकल सेवा पूरी तरह से बंद हो गई है, वहीं आप इस सड़कों का हाल इस तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और BMC द्वारा, प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को सूचना दी जा रही है कि जब तक आवश्यक काम ना हो लोग घरों से बाहर ना निकले। कहीं ना कहीं मुंबई के लगातार तेज बारिश और निचले इलाकों में पानी भर जाने की वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। BMC ने दावे तो बहुत किए थे लेकिन ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि BMC के दावे मात्र दावे ही हैं, जमीन पर हकीकत में ऐसे दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज, मुंबई। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।